फ्रेंड्स, जब एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर को डिज़ाइन करता है तो उसके लिए डिफरेंट एब्रीवेशन एंड सिंबल्स को यूज़ करता है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में यूज होने वाले इन एब्रीवेशन एंड सिंबल्स को आप एफिशिएंटली समझते हैं तो आपके लिए ड्राइंग पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आज के वीडियो में इन्हीं कुछ सिंबल्स को एंड एब्रीवेशन को डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग में जो सिंबल्स एंड एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। किन के बीच में? स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइनर होता है वो, एंड जो उस ड्राइंग को रीड कर रहा है। सी, ड्राइंग में कोई लिटरेचर नहीं लिखा होता है कि जिसको पढ़ के आपको समझना है। ड्राइंग को रीड करने के लिए देर आर सम सिंबल्स एंड एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है, तो उसको समझ आना ज़रूरी है ड्राइंग को एफिशिएंटली रीड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सिंबल्स एंड एब्रीवेशन को यूज़ क्यों किया जाता है स्ट्रक्चर की ड्राइंग में। जस्ट टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी फर्स्ट, सेकंड, एस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द रीडर। सो फ्रेंड्स, इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए वी शुड हैव सम गाइडलाइंस। यस, वी हैव। और इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? SP 34 1987 BIS। SPA स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड पब्लिकेशन 34। पॉइंट नंबर वन को रेफर करते हैं। ये बेसिकली क्या है, जो स्टील रिइंफोर्समेंट होगा उसको शेप एंड साइज के बारे में बताएगा। यदि स्ट्रक्चर की डिटेलिंग में फाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब है इट इज़ अ प्लेन राउंडेड बार। यदि स्क्वायर मार्क किया हुआ है, इट इज़ अ प्लेन स्क्वायर बार। हैशटैग यदि लगा हुआ है, इट मीन्स डिफॉर्म्ड बार। बट फ्रेंड्स, दिस इज नॉट सैक्रोसेंट, दीज आर द गाइडलाइंस। कभी कभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है डिटेलिंग में इस तरह से भी मार्क करते हैं, 6-25-5। इसका मतलब होता है 6 सरिया के नंबर हैं और 25 उसकी डाया है, एंड 5 जो रिप्रेजेंट करती है डाया ऑफ स्टील। इट इज़ अ डिफॉर्म्ड बार के लिए भी यूज़ करते हैं आज की डेट में। पॉइंट नंबर टू को रेफर कीजिए। इसमें कह रहा है सिम्बल्स जो कि बताता है शेप ऑफ बार अलॉन्ग इट्स लेंथ। यदि ALT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट बार। BT लिखा हुआ है, मीन्स बेंट बार। B लिखा हुआ है तो बॉटम बार। मीन का मतलब मिनिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ST मतलब स्ट्रेट बार, सीधी जो सरिया होंगे उसके लिए ST लिखा होगा। STP लिखा होगा तो स्टीरअप्स के लिए यूज़ होगा। SP लिखा हुआ है तो स्पायरल बार्स के लिए यूज़ होगा। CT मीन्स कॉलम टाइज। T स्टैंड्स फॉर टॉप बार। तो यदि B लिखा हुआ मीन्स बॉटम बार, T लिखा हुआ मीन्स टॉप बार। पॉइंट थ्री को रेफर कीजिए, जो स्टील रिइंफोर्समेंट की पोजीशन एंड डायरेक्शन को बताता है। EW लिखा होगा तो इसका मतलब होता है ईच वे, मतलब बोथ डायरेक्शन में। एट द रेट का मतलब होता है स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, जो कि आपको ड्राइंग में इस तरह से भी मार्क करते हैं। यदि इस तरह से मार्क किया हुआ है ड्राइंग में, इसका मतलब होता है लिमिट द एरिया कवर्ड बाय द बार्स, मतलब आपकी सरिया इस पर्टिकुलर डायमेंशन तक ही है, इससे आगे नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा मार्क किया हुआ यदि है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन इन विच बार्स आर एक्सटेंडेड, मीन्स जो आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट है वो एक्सटेंड कर रही है दोनों डायरेक्शन में। पॉइंट फोर को रेफर कीजिए। इसमें जो सिंबल्स यूज हो रहा है वो वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उसके बारे में है। यदि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में BM लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बीम्स। COL लिखा हुआ है मीन्स कॉलम्स। FG लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फुटिंग्स। GR लिखा हुआ है मीन्स गर्डर्स। JT लिखा हुआ है मीन्स जॉइंट्स। LL लिखा हुआ है मीन्स लिंटल के लिए बोलते हैं। LB की बात करें तो इट्स लिंटल बीम। स्लैब के लिए SB और S यूज करते हैं। 2L का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वॉल। WX की बात करें, इट इज़ अ क्रॉस वॉल। ये जो सिंबल है बेसिकली CL लिखा हुआ है, मीन्स सेंटर लाइन। तो जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यदि ड्राइंग में #20@200 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हैशटैग मीन्स हो जाएगा योर डिफॉर्म्ड बार, 20 क्या है आपका डायमीटर हो जाएगा, एंड @200 मीन्स सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। यदि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में लिखा हुआ है 20-#12, इसका मतलब 20 मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर्स है। हैशटैग मतलब क्या होगा, डिफॉर्म्ड बार्स, और जिसकी डायमीटर कितनी हुई है 12 mm। इन दोनों चीज़ से समझिए, यदि हैशटैग करके न्यूमरल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डिफॉर्म्ड बार, और जिसकी डायमीटर कितनी लिखी हुई है, जो न्यूमरल्स होगा यहाँ पे 20 mm हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 532 ST 12 EW। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, योर प्लेन बार। 32 क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर। तो क्या हो गया, प्लेन बार जिसकी डायमीटर 32 mm है। ST स्टैंड फॉर स्ट्रेट है, कोई बेंड नहीं है। 12 क्या है, उसके नंबर्स हो जाएंगे। और EW क्या है, आइदर वे मीन्स बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट को रेफर कीजिए, जो कि सिंबल फाई और हैशटैग को हम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के हमेशा लेफ्ट हैंड साइज में यूज़ किया जाता है। मीन्स इस तरह से लिखा होगा फाई 20 और हैशटैग 20।
520 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेन बार जिसकी डायमीटर 20 mm है। हैशटैग की बात करेंगे तो इट इज़ अ डिफॉर्म्ड बार जिसका डायमीटर किया है 20 mm है। पॉइंट नंबर 5 को रेफर कीजिए, और किस तरह के सैम्बल्स हो सकते हैं। ये कंक्रीट को लाइन दिखाने के लिए थिन लाइन से दिखाई जाती है, और ये अनएक्सपोज्ड कंक्रीट लाइन या मेसनरी लाइन होती है उसको थिन लाइन से दिखाया जाता है। इसको ड्राइंग में रेफर करते हैं। आपके सामने जो ड्राइंग है ये राफ्ट का एक पोर्शन को दिखाया गया। अब ये सी जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए थिन लाइन से दिखा रहा है, ये कंक्रीट की आउटर लाइन को दिखा रहा है। जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये देखिए कंक्रीट की आउटर लाइन को ये शो कर रहा है। एक बीम को ले लेते हैं 0B3 को, तो यहाँ पे डैश लाइन दिखा हुआ है। इसका मतलब जब आप इस ड्राइंग को ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे बीम की लोकेशन बता रहा है, लेकिन कंक्रीट की लाइन क्या है, हिडन है, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही है। नेक्स्ट दो सिंबल को देखते हैं। रिइंफोर्समेंट के लिए थिक लाइन यूज़ होती है, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट रिइंफोर्समेंट इन द डिफरेंट लेयर, अगेन थिक लेकिन वो डैश के रूप में दिखेगा। इसको ड्राइंग से रेफर करते हैं। अगेन राफ्ट की ड्राइंग को रेफर करते हैं। यहाँ पे देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ डार्क लाइन से जो है वो क्या है, टॉप रिइंफोर्समेंट को दिखा रहा है। अगेन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये डैश लाइन है, मींस ये बॉटम लेयर की ये बात कर रहा है जहाँ पे रिइंफोर्समेंट को ये शो कर रहा है। तो इस तरह से सिंबल्स को यूज़ करके ड्राइंग में डिटेलिंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी कॉमन, सेक्शन ऑफ रिइंफोर्सिंग बार, मींस यदि कोई आप बीम की क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट की क्रॉस सेक्शन को शो किया जाता है अलॉन्ग विथ स्टीरअप। नेक्स्ट इज सेंटर लाइन, जिसको दिखाया जाता है इस तरह से, लॉन्ग लाइन स्मॉल डॉट, लॉन्ग लाइन स्मॉल डॉट, लॉन्ग लाइन, और इसको लिखा जाता है ड्राइंग में CL। नंबर 6 को रेफर कीजिए, कुछ और सिंबल्स को देख लेते हैं। तो कोई डायमेंशंस को यदि दिखाना हो तो इस तरह से मार्क करते हैं और इस तरह से मार्क किया जाता है, इसी को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। जिन सिंबल्स को मैं मार्क कर रहा हूँ उसे रेफर कीजिए। ये बेसिकली क्या है, हुक्स को बताता है। इस तरह से है, बार क्या है, बेंड एट 90 डिग्री, इस तरह से बेंड करते हैं, दिस इज़ अ 90 डिग्री। नेक्स्ट जो सिंबल है क्या है, बार्स शोन सेपरेटेड इन द ड्राइंग। इसके लिए ड्राइंग को एक बार रेफर करते हैं। इस बीम की ड्राइंग में देखिए यहाँ पे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट क्या है, सेपरेशन दिखा रहा है, मीन्स दोनों स्टील बार जो है सेपरेटेड है, उसी को सिंबल में मार्क किया गया है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो यूज़ होता है कहाँ पे, एलिवेशन ड्राइंग में। और नेक्स्ट जो सिंबल है वो यूज़ होता है आपके कहाँ पे, प्लान में। एलिवेशन सिंबल के लिए राइट साइड फोटोग्राफ को रेफर कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मार्क किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर लेवल, बेसमेंट का लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल एंड सेकंड फ्लोर लेवल। तो इस तरह से इसकी मार्किंग यूज़ की जाती है। जब टू बेस स्लैब की बात करें उसमें रिइंफोर्समेंट को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, जो कि बहुत कॉमन होता है इन स्लैब रिइंफोर्समेंट। लास्ट सिंबल को रेफर कीजिए, ये बेसिकली कॉलम में यूज़ होता है। रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है वो एग्जिस्टिंग बार है, और जो ब्लू कलर से मार्क किया है जो नए बार को मुझे लैप प्रोवाइड करना है, लैप लेंथ जिसको प्रोवाइड करना है। यहाँ देखिए मार्क किया हुआ कवर, अपर साइड में क्या लिखा हुआ है, आउटर फेस ऑफ द कॉलम। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी चाहिए कि कभी भी न्यू स्टील बार को आप लैप करेंगे तो कॉलम के आउटर फेस से अंदर की तरफ होगा, इसलिए कि आप क्लियर कवर को यूनिफॉर्मली जो कॉलम में 40 mm प्रोवाइड की जाती है वो मेंटेन की जाए। ये स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हाँ लोग साइड पे गलती करते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो मेरी राय में जब एक इंजीनियर ड्राइंग को रेफर करता है तो एफिशिएंट रीडिंग के लिए ये सारे सिंबल से उसे वाकिफ होना चाहिए, और इसके लिए आपको रेफ़र करना पड़ता है SP 34 9087, जो कि BIS का स्पेशल पब्लिकेशन है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपने काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इन्फॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।